Hey, Hi friends, I welcome you all again. ओके सो यार, मैंने सोचा कि हम सब डिस्कस करते होंगे। मैं जो भी कुछ आज का मेरा जो भी कोई टॉपिक होगा उसके बारे में तुम कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम्हें वो कैसा लगा वगैरह। ओके तो ठीक है, तो फिर आज मैं टॉपिक चालू करूँगा बाहुबली इस मूवी के एक छोटे से फैक्ट को लेके। ठीक है, तो बाहुबली मूवी हम सभी ने देखी है, लेकिन बाहुबली में भल्लाल देव के पास एक रथ होता है। क्या आप सब इस रथ के बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, और अगर आपको सच लगता है ये तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, और नहीं लगता है तो प्लीज़ गूगल भी करके देख लेना। ठीक है, तो भल्लाल देव के पास एक रथ होता है जिसके सामने में एक रिवॉल्विंग मेस लगी हुई रहती है। उस रिवॉल्विंग मेस यानी वो ब्लेड्स लगे हुए होते हैं उसके चैरियट के सामने में। जैसे जैसे वो चैरियट आगे जाता है वो पंखा घूमने लग जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ने हमारे एंशियंट हिस्ट्री में, हमारे हमारे इंडिया की जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें एक किंग थे जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ये हरियाणा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हरियाणा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बिम्बिसार। बिम्बिसार यानी जो अजातशत्रु के जो पिता थे वो थे बिम्बिसार, और बिम्बिसार थ्री किंगडम्स के साथ उनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे। उसमें से पहला किंगडम था काशी, और दूसरा किंगडम था लिच्छवी, और तीसरा किंगडम था मादरा यानी जो कि आज प्रेजेंट डे पंजाब में बिलोंग करता है। तो हुआ ये कि अजातशत्रु ने जो थ्रोन है उसको थ्रोन चाहिए था, तो उसने अपने पापा की हत्या कर दी यानी उनको असैसिन कर दिया। और जब उनको असैसिनेट किया, उसने उनका मर्डर जब किया, तो जो लिच्छवी थी, लिच्छवी किंगडम जो था और जो काशी किंगडम था, वहां से अजातशत्रु के खिलाफ रिवोल्ट चालू हुआ। और जब ये रिवोल्ट चालू हुआ उस टाइम पे अजातशत्रु ने जो लिच्छवी किंगडम था और काशी किंगडम था उसके खिलाफ एक रथ यूज किया जिसके सामने में एक रिवॉल्विंग मेस लगी हुई थी। वही मेस, वही वही चैरियट जो हमने बाहुबली में देखे भल्लाल देव के पास, वैसा ही, जिसका नाम रथ मूसला ऐसा था। और अगर आपको ये फैक्ट सुन के अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे बता देना, और प्लीज वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।